क्या आपने ऐसी चीज़ों के बारे में सुना है जैसे कि iPhone 7 मिल रहा है 7,000 में, 5,000 में, या फिर महंगी महंगी आइटमें, महंगी महंगी चीज़ें जो ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर, वो चीज़ें 90% डिस्काउंट पर आपको मिल रही है, और वो भी आपको पे करना है पेटीएम से या फिर बैंक ट्रांसफ़र करके। तो ये सब चीज़ें की जाती है कार्डिंग से। कार्डिंग क्या है, कार्डिंग के बारे में पीछे छुपे हुए राज, और कार्डिंग करी कैसे जाती है, और उसके पीछे सब कुछ, इसके पीछे फ्रॉड, इसके पीछे क्या कुछ है, उन सभी चीज़ों की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर, और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्डिंग के बारे में। सो लेट्स चेक इट आउट। तो आपने कार्डिंग टर्म कई बार कई लोगों के मुंह से सुनी होगी, और आप इसको सुन के कन्फ्यूज़ होते होंगे या फिर सोचते होंगे कि मुझे भी कार्डिंग ट्राई करनी चाहिए या फिर ये कार्डिंग है क्या। तो पहली बात, कार्डिंग एक इलीगल टर्म है, और कार्डिंग का सीधा सीधा मतलब है कि किसी और का क्रेडिट कार्ड चुराना और उसे यूज़ करना अपनी शॉपिंग के लिए। अब ये चीज़ें अलग अलग तरीके से करी जाती है। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो, और आप किसी उस साइट से पेमेंट करते हो जिसकी सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं है। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, ये काफ़ी रिनाउंड टॉप ब्रांड्स है शॉपिंग वेबसाइट्स की, तो इनकी सिक्योरिटी तो काफ़ी अच्छी है अमेजोन की और फ्लिपकार्ट की। पर आप देखते हो इंस्टाग्राम वगैरह पर छोटी छोटी नई नई साइट्स आती है जहाँ पे जो उन्होंने अभी अभी सेटअप किया है, तो उनके पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है ताकि वो अपनी साइट पर अच्छी सिक्योरिटी दे सके, और आप वहाँ पर पेमेंट करते हो अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से। तो वहाँ पर जो जाते हैं हैकर्स, ऐसी साइटों पे जो नई नई साइटें हैं, उस साइट को हैक करते हैं, और हैक करने के बाद वहाँ से सारी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स निकाल लेते हैं। अब क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आ गई, और वो ऑफ़र डाल देते हैं। जैसे OLX पे भी आजकल ऑफ़र आने लगे हैं कि iPhone 7 7,000 रुपये में सील पैक बॉक्स ले लो, ऐसे ऐसे करके अलग अलग ऑफ़र्स आते हैं। आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी, फेसबुक पे अलग अलग ग्रुप्स हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे ऑफ़र हमें कई बार देखने को मिलते हैं, और अलग अलग पेजेस भी हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जो काफ़ी गलत है। तो इसमें क्या होता है, अब उसने क्रेडिट कार्ड चुरा लिया और सारी पेमेंट उस क्रेडिट कार्ड से कर देगा। अब आपसे जो पेमेंट ले रहा है, मान लो 70,000 रुपये का आईफोन है और वो आपको दे रहा है 7,000 में, तो वो उसने कार्ड चुराया और 70,000 उस बंदे के कार्ड से पेमेंट कर दी। और वो बंदा, ये हो नहीं सकता कि अगर आपको इंडिया में फ़ोन चाहिए तो इंडिया का ही कार्ड हो, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं का भी कार्ड उसने यूज़ करा, 70,000 रुपये उस कार्ड से निकाले, उस बंदे को जिसका कार्ड था उसको लग गया 70,000 का चूना, और आपसे लिए 7,000 7,000 उस बंदे के जेब में। उसने करा क्या, सिर्फ एक साइट की सिक्योरिटी में घुसा और वहाँ से कार्ड निकाल के आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा दिया। अब इसमें इल्लीगल है, आपको समझ आ गया होगा इल्लीगल कैसे है, और इसमें आप आसानी से फंस भी सकते हो। आप ये मत सोचो कि कार्ड उसका है और उसने पेमेंट करी है, उसका आईपी एड्रेस ट्रेस होगा और आप बच जाओगे। तो इसके अंदर पूरी चेन होती है, अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है तो आप पकड़े जाओगे, बिल्कुल पकड़े जाओगे, और कोई इसमें मतलब दो राय नहीं है, क्योंकि इल्लीगल काम है और इल्लीगल काम हमें नहीं करने चाहिए। तो कार्डिंग के स्टेप्स मैंने बता दिए, कार्डिंग करी कैसे जाती है, और इसके अलग अलग आपने फेसबुक ग्रुप्स देखे होंगे, फेसबुक पेजेस देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पर कार्डिंग फैली हुई है। अब इसमें अलग, ये फ्रॉड तो है, पर इसमें एक और फ्रॉड चल रहा है। दूसरे फ्रॉड की बात करें तो उसके अंदर आपने देखा होगा OLX वगैरह पे या व्हाट्सएप के पे ही आपको मैसेजेस आते होंगे कि iPhone 7 ले लीजिए, आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर पेटीएम मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, और हमें 7,000 पेटीएम ट्रांसफ़र कर दो, आपको 2 दिन में आईफोन मिल जाएगा। अब कुछ जो है विश्वास कर लेते हैं, जो नए नए स्मार्टफोन यूज़र्स हैं या फिर जो मतलब जिन्हें यूँ होता है ना कि ऑनलाइन परचेज करने की खुड़क रहती है कुछ ना कुछ, तो वो लोग जाते हैं और इस चंगुल में फंस जाते हैं। अब वो कैसे, वो पेटीएम के अंदर जो उनको उन्होंने कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करा है, उनको जैसे उन्होंने कहा 7,000 ट्रांसफ़र कर दो, उन्होंने 7,000 ट्रांसफ़र कर दिए और उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं आया, प्रोडक्ट आया नहीं, अब 7,000 उसको मिल गए। और हो सकता है वो बंदे को हैकिंग के बारे में हल्का सा भी नहीं पता हो, उसने कार्डिंग करी ना हो, उसने सिर्फ फ्रॉड करके आपसे 7,000 रुपये ले लिए और उसका फ्री में काम चल गया। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ एक गलत इसलिए भी है क्योंकि कार्डिंग कार्डिंग करके सबको लगता है इसमें काफ़ी पैसा है, हालांकि पैसा है काफ़ी, इल्लीगल काम में तो काफ़ी पैसा होता है, पर हमें नहीं करना चाहिए। और इस टर्म को सुन के काफ़ी बंदे कार्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरे भी कुछ जानने वाले हैं जिन्हें कार्डिंग टर्म के बारे में पता चलता है और वो मुझसे आके पूछते हैं कार्डिंग क्या है, कार्डिंग कैसे करें और हम इससे पैसा कैसे कमाएं। मैं कहता हूँ कार्डिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और मैं उन्हें स्टेप्स भी नहीं बताता कि कैसे करनी चाहिए, क्या होता है, क्योंकि ये काफ़ी इल्लीगल है। अब कार्डिंग का नाम सुन सुन के काफ़ी छोटे छोटे 6th 7th क्लास के बच्चे भी कार्डिंग ट्राई कर रहे हैं, और वो फंस जाएंगे तो उनको भी दिक्कत होगी, उनके माँ बाप को भी दिक्कत होगी, आसपास सभी को दिक्कत होती है जब ऐसा कुछ इल्लीगल काम होता है।
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कार्डिंग से दूर रहे। कोई भी आपको ऑफर मिलता है एक्सेप्शनल डिस्काउंट पे, मतलब अभी पीछे थोड़े दिनों पहले की बात है कि ऑफर आया था नेटफ्लिक्स का प्रीमियम अकाउंट 1 साल का 500 रुपीज़ में, पर नेटफ्लिक्स ओरिजिनली कितना चार्ज करता है? 500 रुपीज़ पर मंथ। तो ये एक्सेप्शनल डिस्काउंट है, मीन्स 12 महीने, 1 महीने, 12 महीने वाला जो 1 महीने मिलता है वो 12 महीने के लिए मिल रहा है। तो ये तो काफ़ी, मतलब हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ऑफर्स की तरह बिल्कुल मत बढ़े। अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर जो ऑफर है, जो यार ट्रस्टेड साइट है, पेटीएम हो गया, इन जगह से जाए। आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहाँ से कोई भी मैसेज आता है तो आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, इतने में ले लीजिए, तो उसकी तरफ बिल्कुल भी मत बढ़े। या फिर ऑफलाइन स्टोर्स में जाके आप अपने प्रोडक्ट परचेस करें। तो मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन जितना हमारे को फ़ायदा कर रहा है, उतना ही थोड़ा बहुत इसके खतरनाक दूसरी साइड भी है इंटरनेट की, जिससे हमें दूर रहना है और प्रिकॉशंस के साथ ही ऑनलाइन परचेज करनी है। कार्डिंग से दूर रहे, कार्डिंग के चंगुल में ना फंसे और ना ही कार्डिंग ट्राई करे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपके दोस्त कार्डिंग वगैरह ट्राई कर रहे हैं तो उन्हें भी सजेस्ट करें कि वो कार्डिंग ना करें। सो बाय, हैव अ नाइस डे।